लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में लगातार दो बार यानी 2015 और 2020 में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से सिमट गई थी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 में गजब की वापसी की थी और वह सभी सीटों पर नंबर दो पर रही थी। लेकिन इस चुनाव परिणाम को एक तरफ रखते हुए भाजपा मान रही है कि अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में उसका मुख्य सामना आम आदमी पार्टी से होगा। इसे ध्यान रखते हुए पार्टी ने अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला करने की पूरी रणनीति भी बनाई है। दिल्ली भाजपा के पंत मार्ग स्थित कार्यालय पर 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बताया कि किस प्रकार उन्हें नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी के सामने मिली मजबूती को बनाए रखना होगा और उन्हें बूथ स्तर तक केजरीवाल पर हमला करना है। इसके लिए दिल्ली सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखना होगा और साथ ही साथ केंद्र सरकार के कार्यों को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए हर बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों के नेतृत्व में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसका निर्णय भी लिया है। इस संबंध में प्रदेश भाजपा की शुक्रवार को शुरू 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में रोड मैप तैयार किया गया है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता अगले 400 दिनों तक जमीनी स्तर पर पार्टी के संपर्क कार्यक्रमों को जारी रखेंगे और इसके लिए हमेशा समर्पित भी रहेंगे। कार्यकर्ता संगठनात्मक विस्तार के लिए काम करने और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बूथ स्तर पर जाएंगे। पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है दिल्ली को लेकर के और केजरीवाल सरकार को लेकर के। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने एमसीडी चुनावों के दौरान अनुशासित और समर्पित कार्यों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सराहना भी की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से प्रेरणा लेनी चाहिए और 2024 के लोकसभा चुनावों में सभी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बूथ स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें यह समझने की भी बेहद जरूरत है कि हमारे राजनीतिक कार्य से अधिक हमारा सामाजिक कार्य और गरीबों की सहायता करना है कार्य है जो आम आदमी से हमारी पार्टी के संबंधों को मजबूत करने में हमें मदद करती है। वही बैठक में उपस्थित भाजपा के एक और नेता ने अमर उजाला साहब को बताया कि पार्टी ये मानती है कि अगले लोकसभा में उसका मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से हो सकता है। इसका बड़ा कारण है कि इस बार कांग्रेस के पास शीला दीक्षित जैसा करिश्माई और चुंबकीय चेहरा मौजूद नहीं होगा जिसका लाभ उसे 2019 के चुनावों के दौरान मिला हुआ था। पार्टी नेता ये मानते हैं कि नगर निगम चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी से टूटकर कांग्रेस की तरफ गए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह अपने इस कोर वोट बैंक के सहारे दिल्ली में वापसी कर सकती है, लेकिन भाजपा नेताओं का यह भी मानना है कि जब मुस्लिम मतदाताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता में कौन उम्मीदवार या पार्टी है ये प्रश्न आएगा तो मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी की तरफ लौट सकता है। इससे आम आदमी पार्टी एक बार फिर मुकाबले में मजबूत हो सकती है। बता दें कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रभारी बैजयंत पांडा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि जनता का वोट कार्यकर्ताओं के कारण कम और जनता के लाभ के लिए किए गए कार्यों के कारण ज्यादा आता है, लिहाजा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बीजेपी दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि कार्यकर्ता दिल्ली के हर एक मतदाता तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को ध्यान में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ता हर समुदाय हर वर्ग के हर मतदाता तक पहुंचे, चाहे वे भाजपा को वोट देते हो या नहीं। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर दिल्ली के हर वार्ड के हर मतदाता तक पहुंचने की योजना भी बनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करना मात्र नहीं है बल्कि वे जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाजपा ने पिछली बार दिल्ली की सभी सीटों में आधे से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर एक तरफा जीत हासिल की थी। बता दें कि दिल्ली भाजपा कार्यकारिणी का अंतिम सत्र जो है दो दिवसीय रहा है और शनिवार को उनका अंतिम सत्र है। राजधानी के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और समापन सत्र में राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
तो कुल मिलाकर के जिस तरह से बात हो रही है लोकसभा चुनावों को लेकर के, अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों को लेकर के रणनीति बना ली है और वो जानती है कि उसका सीधे सीधे मुकाबला इस बार जो होगा दिल्ली की 7 सीटों को लेकर के वो आम आदमी पार्टी से होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।